हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिखा रही हूँ आपको लहंगे की फिटिंग करना। ये ब्राइडल लहंगा है और ये देखो कितना मोटा है। घर पे हम इसकी फिटिंग कर नहीं पाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके दो पार्ट को अलग अलग कर लेना है। ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग, इस तरीके से। अभी मैं धेड़ के बताती हूँ आपको। ये जो ब्राइडल लहंगे आते हैं, एक साइड से ओपन आते हैं, इनकी फिटिंग करनी पड़ती है हमें। टेलर से हम फिटिंग कराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। ये नेट आ रही है, नेट वाला लहंगा है। नेट और नेट के साथ का जो अस्तर है, इन दोनों को इकट्ठा उधेड़ना है। तो ये मैंने पूरा यहाँ तक उधेड़ दिया है, थोड़ा सा 2 इंच छोड़ा है बस। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा नीचे की साइड कर देना है और ये जो हिस्सा है नेट और कपड़े वाला, अगर आपसे सेट ना हो तो इस कपड़े को नेट पे पहले ही एक बड़ी सिलाई मार के सेट कर लें। ये अलग करने से क्या होगा, ये वाला हिस्सा अलग होने से इसका मोटापा कम हो जाएगा, तो सिलाई मशीन आराम से चल पाएगी। ये साइड से मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, ये देखो ये वाला पार्ट और इधर से दूसरी साइड का पार्ट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आगे वाले हिस्से को जोड़ना है। ये नेट से नेट मिला के, ये साइड से अलग करने के बाद मैंने नेट को और अस्तर को पहले पिनअप कर दिया है, जिससे कि आगे पीछे ना हो। यहाँ मैंने 2 पिन लगाई हैं जिससे कि नेफा ऊंचा नीचा ना हो। अब ये जो फ्रंट पार्ट है अस्तर और नेट का, पहले इस हिस्से को हम पूरा नीचे तक सिलेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम अंदर का अस्तर और जो ये कैन लगी हुई है इसको सिलेंगे। उसके बाद मैं सिलने के बाद दिखाती हूँ, इसे सिल के दिखाती हूँ। जाता है वहाँ पे आप धीरे धीरे हाथ से चलाएं, 10 मिनट लगेंगे कम से कम, लेकिन आराम से सिलाई हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बिजली की मशीन से चलाते हैं तो सुई टूटने का खतरा रहता है। जितना हमारा ये बॉर्डर आ रहा है उतने बॉर्डर को आप आराम आराम से चला लें। सिल दिया है, ये देखो। इसके बाद मैं अंदर का सिलने बता रही हूं। ये बहुत हार्ड होता है, ये देखो इसके बीच में कितनी हार्ड प्लास्टिक लगी हुई है। चाहो तो आप धीरे धीरे चला लो इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा जहाँ तक ये प्लास्टिक लगी हुई है। हाथ से धीरे धीरे मैं चला रही हूँ इसको। तो ये मैंने सिल दिया है, देखो कितनी फिनिशिंग से आया है। ये देखो, और अंदर का पार्ट अलग सिल दिया है, ये देखो।
अब मैंने इसको सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हमें थोड़ा सा और सिलना है, कहीं ये फट ना जाए, तो यहीं के यहीं इसको ऐसे सीधा करके यहाँ से यहाँ तक दो सिलाई लगानी है। ये देखो डबल सिलाई लग गई है, फिनिशिंग से आया है। मैंने ये जो लहंगे की कलियाँ हैं ये सेट करने भी बताया अपनी पिछली वीडियो में, जिसे मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।